हेलो एवरीवन, दिस इज उटेना साधना एंड यू आर वाचिंग लेटर बेटर। इन दिस वीडियो अगेन हम 10 ऐसे वर्ड्स डील करेंगे जो आपको अक्सर न्यूज़पेपर में देखने को मिल सकते हैं, किसी इंस्टाग्राम के कमेंट में देखने को मिल सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बैकलैश, स्टेट ऑफ द आर्ट, टॉप नॉच, फेस ऑफ, ऐसे कुछ 10 हम सेंटेंसेस लेंगे और कोशिश कीजिए कि आप इन्हें अपने डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए। जैसे कि आप कॉमेंट कर रहे हैं तो इनका यूज कर सकते हैं, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो यूज कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, सो स्टिक टिल द एंड एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। जो पहला वर्ड है वो है टॉप नॉच। ये आपने सुना भी होगा। इसका मतलब होता है कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी का हो, हाईएस्ट क्वालिटी और एक्सीलेंट हो। जैसे कि आपको बोलना है कि ये होटल इस सिटी का सबसे अच्छा होटल है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज अ टॉप नॉच होटल ऑफ आर सिटी। एक और सेंटेंस देखिए, देयर सर्विस वॉज टॉप नॉच, मतलब बहुत बेस्ट क्वालिटी की सर्विस थी उनकी। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट फ्रेज देखिए, बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब होता है कि कोई चीज बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। अब इसका सेंटेंस देखिए, ये लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा बोला जाता है, लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब लाइफ हमेशा आसान नहीं होती है, देयर आर अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, तो अक्सर ये वर्ड यूज किया जाता है, लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस। आई एम टेलिंग यू दिस फ्रेज इज वेरी कॉमनली यूज। कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा इस फ्रेज का यूज करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, जो है फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब होता है आमना सामना होना, मतलब कन्फ्रंटेशन बोला जाता है इसे। मतलब दो ऑपोजिट पार्टीज हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से, तब आप बोल सकते हैं कि फेस ऑफ हो रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोटेस्टर्स होते हैं जो प्रोटेस्ट करते रहते हैं, मान लो गवर्नमेंट के किसी स्कीम के खिलाफ या किसी रूल लॉ के खिलाफ, तो पुलिस आती है वहाँ पे, तो उन दोनों का फेस ऑफ होता है, मतलब आमना सामना होता है और वो एक दूसरे से थोड़ा आर्ग्यूमेंट करते हैं या लड़ते हैं, तो उसे बोलेंगे आप फेस ऑफ। अब इसका सेंटेंस देखिए, द फेस ऑफ बिटवीन प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस लास्टेड फॉर आवर्स, मतलब जो आमना सामना हुआ वो बहुत देर तक चला, मतलब वो लड़ते रहे कि हमें ये रूल के खिलाफ हम अपनी जो है आवाज़ उठा रहे हैं और पुलिस उन्हें रोक रही है। होप आपको ये फेस ऑफ समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं वर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस फ्रेज का मतलब होता है कि बहुत ही एडवांस्ड और न्यू टेक्नोलॉजी से बनी है कोई चीज़, तो आप उसे बोलेंगे कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट, मतलब जो भी मिलिट्री में हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी है और वो जो हमारे दुश्मन हैं उनसे लड़ने में बहुत ही कारगर साबित होगी, मतलब अच्छी साबित होगी। एक और सेंटेंस देखिए, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज टू द सिटीजन्स। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज टू द सिटीजन्स, मतलब गवर्नमेंट हमें ऐसे फैसिलिटीज दे जिसमें नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज और फीचर्स का यूज हुआ हो। होप आपको ये इंपॉर्टेंट वर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम एक वर्ड लेते हैं सरियल, और ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है। तो सरियल का मतलब होता है कि जो रियल ना लगे, जिस पे बिलीव ना हो आपको, ठीक है, तो आप थोड़ा ऐसे याद कर सकते हैं कि रियल मतलब असली, सरियल मतलब आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये इमेजिनरी है। जैसे लोग जर्नी पे जाते हैं, कोई अच्छा सीन देखते हैं तो वो बोलते हैं कि इट इज़ सरियल एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा कि बहुत इमेजिनरी हो और यकीन ना आ रहा हो। या आप बोल सकते हैं दिस सीन सीम्स सरियल, मतलब ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जो सीन है या कोई भी चीज़ है, वो मुझे उतना असली नहीं लग रहा है, मुझे इमेजिनरी लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा यूज्ड वर्ड है। आप कोशिश कीजिए कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है, या कोई और भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको नकली सा लगे, तो आप बोलेंगे सरियल। और कोशिश कीजिए कि इसे कमेंट्स में डालिए या व्हाट्सएप पे जो है स्टेटस में आप रख सकते हैं, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर सकें। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है आफ्टरमैथ।
आफ्टर मैथ का मतलब होता है कि किसी चीज़ का परिणाम या उसके कॉन्सिक्वेंसेस। इसका ये मैथ्स जो सब्जेक्ट होता है उससे कोई रिलेशन नहीं है। ओके, अब एक सेंटेंस देखिए। इन द आफ्टर मैथ ऑफ अर्थक्वेक एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड। इन द आफ्टर मैथ ऑफ अर्थक्वेक एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, मतलब उसके आउटकम के तहत, मतलब उसका परिणाम ये हुआ अर्थक्वेक का कि सब चीज़ डिस्ट्रॉय हो गया। इसे इन द आफ्टर मैथ ऑफ ऐसा करके यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक और सेंटेंस देखिए। प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द सिटी इन द आफ्टर मैथ ऑफ ड्रॉट, मतलब जब सूखा पड़ा तो वहाँ पे उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो सब देखने के लिए जो है पीएम या प्राइम मिनिस्टर उस जगह पर गए। अब आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं टाइटल की जगह, जैसे कि आफ्टर मैथ ऑफ वॉर, आपने टाइटल दे दिया, अब नीचे आप वॉर के बारे में लिख रहे हैं कि जब युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या क्या हुआ। तो इस तरीके से भी आप टाइटल के रूप में भी लिख सकते हैं, आफ्टर मैथ ऑफ वॉर, ऐसा कोई टाइटल भी दे सकते हैं आप। सो होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है स्केपगोट। स्केपगोट करना मतलब, या स्केपगोट का मतलब होता है कि बलि का बकरा बनाना किसी को। जैसे कि गलती किसी और ने की और दोषी कोई और बन गया, दोषी किसी और को ठहराया जा रहा है, ठीक है, ब्लेम किसी और पे डाला जा रहा है। जैसे कि आप बोलोगे कि एक टीम है और वो हार गई, तो उसके लिए आप किसी एक को ब्लेम कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई वॉज स्केपगोटेड फॉर द टीम्स फेलियर, और आप ये भी बोल सकते हैं कि आई वॉज मेड द स्केपगोट फॉर द टीम्स फेलियर, मतलब पूरी टीम हारी पर ब्लेम मुझ पे डाल दिया गया। आपको कभी ना कभी बलि का बकरा ज़रूर बनाया गया होगा, तो कोशिश कीजिए उस इंसिडेंस को याद करें और इससे रिलेटेड जो है एक सेंटेंस जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिखाएं। नेक्स्ट फ्रेज लेते हैं अंडर रैप्स। तो अंडर रैप्स का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को सीक्रेट रखना, छुपाना। ये आसान है, इसका एक सेंटेंस देखते हैं। आपको बोलना है कि कीप इट अंडर रैप्स, आपने किसी को कुछ बताया और आप बोल रहे हैं कीप इट अंडर रैप्स, मतलब उसको सीक्रेट रखना, प्लीज़ किसी को मत बताना। अब आपके लिए एक सेंटेंस है, आपको बोलना है कि तुमने जो बताया उसे मैं ज़्यादा देर तक सीक्रेट नहीं रख सकती। अब इस सेंटेंस को आपको अंडर द रैप्स ये फ्रेज यूज़ करके बनाना है। सो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है हिदरटो। हिदरटो का मतलब होता है अनटिल नाउ, अभी तक। तो ये अक्सर न्यूज़पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा अलग वर्ड है, एडवांस वर्ड है, जो कि हम अनटिल नाउ की जगह यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि अभी तक तो मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, आसान चल रही है, तो मैं आपको इसको हिदरटो और बेड ऑफ रोजेस दोनों का यूज़ करके बताती हूँ। आप बोलेंगे हिदरटो माई लाइफ हैज़ बीन अ बेड ऑफ रोजेस। हिदरटो माई लाइफ हैज़ बीन अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब अभी तक तो मेरी लाइफ आसान चल रही है। ऐसे वर्ड्स जो हैं डेली स्पीकिंग में तो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बट न्यूज़पेपर्स में आपको, आर्टिकल्स में, अच्छे आर्टिकल्स में आपको ये देखने को मिल सकता है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कवर किया। अब हम नेक्स्ट जो वर्ड है वो लेते हैं बैकलैश। बैकलैश का मतलब होता है कि पब्लिक का, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक का किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन शो करना या प्रोटेस्ट करना। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी मिनिस्टर ने कुछ गलत बयान दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, तो लोगों का गुस्सा उन पे फूट पड़ता है या वो प्रोटेस्ट करते हैं या नेगेटिव रिएक्शन होता है। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि द मिनिस्टर हैड टू फेस पब्लिक बैकलैश फॉर हिज स्टेटमेंट। द मिनिस्टर हैड टू फेस पब्लिक बैकलैश फॉर हिज स्टेटमेंट, मतलब उस मिनिस्टर ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके कारण लोगों का सडन रिएक्शन हुआ कि इसने गलत बोला है या कुछ सही नहीं बोला है। अब बस एक ही वर्ड में आप याद रखिए इसे, जैसे बैकलैश सुने मतलब लोगों का नेगेटिव रिएक्शन, ठीक है, तो इससे आपको आसानी होगी समझने में। सो होप आपको ये सारे 10 वर्ड समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन से बता सकते हैं। If you like this video, then share it to others. If you are new to our channel, do subscribe and press the bell icon. If you are on Instagram, then don't forget to follow our page. Stay safe, stay healthy, stay happy. Till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.